हेलो, हम सच्चिदानंद पांडे आप लोगों को महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजय हाता के वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ, और उसका एक एक हम एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आज उसी कड़ी में एक दो क्वेश्चन है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पुली से और स्ट्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाते आ रहे हैं। उसमें आज दो तरह के हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आज के क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि एक सीलिंग है और इस सीलिंग से एक पुली लटका हुआ है, बड़ा पुली है, ठीक है। इसके फिर आगे चल कर के ये पुली जो है एक दूसरे पुली से कनेक्टेड है, छोटा पुली है। फिर इसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, और ये पुली जो है एक दूसरे पुली से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ से आ रहा है रस्सी। ये इस तरह यहाँ पर ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये दिया हुआ है, हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसमें ये क्वेश्चन हो गया, आपको कहा गया है कि पुली जो है मासलेस है, और इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। तो हमें रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन का, M1 M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा इसको हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि इसमें देखेंगे कि जितना एक्सेलरेशन इस पुली का होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये बॉडी जो है ये ऊपर की जा रहा है, A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और ये जो है A2 नीचे आ रहा है। इस तरह से बताया गया है। तो हमें A1 और A2 में रिलेशन हमें निकालना है कि A1 इक्वल टू और A2 में क्या रिलेशन है, इसको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या कि ये स्ट्रिंग का, ये जो रस्सी है स्ट्रिंग है, इसका लेंथ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, ओरिजिन यहाँ और यहाँ दो पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ से हम कहते हैं इसका नाम P1 रख दिया पुली, इसका नाम P2 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से करते क्या है, इसका डिस्टेंस, पुली का डिस्टेंस को हम लोग XP1 मान लें, चलिए ठीक है। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग X1 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस X1 मान लिए, फिर यहाँ से इस पुली का डिस्टेंस हम XP2 मान लिए। चलिए अब ये P2 का जो एक्सेलरेशन होगा वही मेरा M2 का भी एक्सेलरेशन होगा। अब चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी कांस्टेंट है। यहाँ से हम देख रहे हैं इस पॉइंट से हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस आया वो, और ये यहाँ से ये डिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमें निकालना है कितना है। सारी चीज़ें हमें देखना है। अब देख रहे हैं कि अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये है X1 है, ये है P1, तो यह डिस्टेंस हो जाएगा X1 माइनस XP1, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है XP2 और यहाँ से है XP1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा XP2 माइनस XP1। किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, यहाँ तक हम समझ गए कि यहाँ से और यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस है XP2 माइनस XP1। नाउ अब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है, तो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है XP2। ये रस्सी जो है, ये जो ऐसे घूमते हुए पिरना ऐसे होते हुए यहाँ तक आ गई है, इसमें इसका रस्सी जो होता है कांस्टेंट होता है, इसकी लेंथ नहीं चेंज होती है। तो इसका समेशन हम निकाल करके डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा, और इसके बाद वेलोसिटी के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन हम निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको हम लिखते हैं X1
माइनस एक्स पी वन, ठीक है, समझ में आया, एक्स वन माइनस एक्स पी वन लिखेंगे। अब चूंकि ये जो रस्सी जो है ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से एम वन से ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स वन। अब हमें यहाँ से ये डिस्टेंस लिखना है, तो प्लस हो जाएगा एक्स पी टू माइनस एक्स पी वन, एक्स पी टू में से एक्स पी वन हमने घटा दिया, और प्लस यहाँ से ये डिस्टेंस है एक्स पी टू, और यह प्लस हो गया एक्स पी टू, और लेंथ देख रहे हैं यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ, चूँकि दोनों का सम एक ही कांस्टेंट मान लेते हैं, दो भी कांस्टेंट हो सकता है, तो सबका सम एल कांस्टेंट मान लिया, और दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से हमने निकाल दिया, ये सबका लेंथ जो होता है टोटल लेंथ कांस्टेंट होगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हो गया माइनस एक्स वन प्लस एक्स पी वन प्लस एक्स पी टू प्लस एक्स पी वन प्लस एक्स पी टू प्लस एल इजकल टू कॉन्स्टेंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ से माइनस एक्स पी वन हो, एक्स वन हो गया प्लस एक्स पी वन हो गया प्लस एक्स पी टू हो गया, और यहाँ पर हो गया, सॉरी, यहाँ पर माइनस एक्स पी वन हो गया और एक्स पी टू हो गया और एल हो गया और यह हो गया कांस्टेंट। इस तरह से अब देखेंगे क्या क्या कटने वाला है। देख रहे हैं कि एक्स पी वन यहाँ है, एक्स पी वन यहाँ है, तो ये कट गया, तो बच क्या गया, माइनस एक्स वन बच गया, और एक्स पी टू और एक्स पी टू यहाँ है, तो प्लस टू एक्स पी टू हो गया प्लस एल हो गया, दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यह हो गया माइनस डी एक्स वन बाई डी टी प्लस टू डी एक्स पी टू बाई डी टी प्लस डी एल बाई डी टी दैट्स इक्वल टू जीरो, तो यह भी जीरो हो जाएगा, तो बच क्या गया, गया यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो माइनस भी वन हो गया प्लस टू भी पी टू हो गया, ये टू भी पी टू हो गया, वेलोसिटी है टू भी पी टू, और ये जीरो हो गया, दैट्स इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब मेरा हो गया कि वेलोसिटी भी वन इजकल टू टू भी पी टू, तो वेलोसिटी ऑफ पी टू जितना ही होता है उतना ही वेलोसिटी ऑफ एम होता है, तो इसको हम ए टू लिखे हैं, इसको ए वन लिखे हैं, तो यहाँ पर हम पी टू नहीं लिख कर इसको लिखेंगे, भी वन इजकल टू हो गया टू भी टू, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हो गया, या दैट्स इक्वल टू हो गया भी वन इजकल, सॉरी, ए वन इजकल टू टू ए टू, दिस इज द रिलेशन। ये आ गया मेरा रिलेशन, आ गया ए वन जितना होगा वह डबल हो जाएगा ए टू के बराबर हो गया, दिस इज द रिलेशन। अब हमें मास के टर्म में इसको एम वन एम टू के टर्म में इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पहले एम वन का बनाएंगे, इसके बाद एम टू का बनाएंगे, और देखेंगे टेंशन कितना है, पुली पर कितना टेंशन लगता है, ये सब के भी बनाएंगे और वन बाई वन हम देखेंगे। इसको इतना लिख लीजिए, बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, लिखने के बाद हम हमें निकालना है, अब हम निकालने चल रहे हैं इसका क्या बोलते हैं, अब इसका मास के टर्म में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमें आ गया ए वन इजकल टू टू ए टू, हमें आ गया ए वन इजकल टू टू ए टू, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, ए वन इजकल टू हो गया टू ए टू, चाहे और करके लिखेंगे ए टू इजकल टू ए वन बाई टू, ऐसे लिख देंगे। चलिए अब हमें निकालना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम वन, एफ बी डी फॉर एम वन लिखेंगे, एफ बी डी फॉर एम वन, एम वन के बारे में देख रहे हैं, यहाँ ब्लॉक एम वन है,
ठीक है, फिर नीचे वाले को मिटा दीजिए। नीचे वाला मिट गया, अब क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, M1 को हम नीचे लिखेंगे, M1 जी नीचे लग रहा है, किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है। ऊपर जो लिखते हैं, इसमें T लग रहा है, इसमें T लग रहा है, इसमें भी T टेंशन लग रहा है, और नीचे वाले में मैं मान लेता हूँ T1 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ T ऊपर की ओर लग रहा है, तो ऊपर की ओर हो गया T लग रहा है। बॉडी किधर जा रही है, A1 से ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका क्या होगा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यह हो जाएगा T माइनस एम वन जी इजकल टू एम वन ए वन, ये हमारा हो गया। अब कोई पूछेगा T इजकल टू कितना हो जाएगा, तो T इजकल टू हो जाएगा एम वन ए वन प्लस एम वन जी, ये मेरा T का वैल्यू हो गया, ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद हम M2 का बनाएंगे, फ्री बॉडी ऑफ M2, तो यहाँ लिख देंगे एफ बी डी फॉर एम टू, यहाँ लिखेंगे एफ बी डी फॉर एम टू लिख देंगे। एम टू का एक बॉक्स बना देंगे, एम टू का बॉक्स बन गया, नीचे फोर्स लग रहा है एम टू जी, ऊपर लग रहा है टी, बॉडी जो है ए टू से जा रही है नीचे, तो इसका क्या होगा इक्वेशन जी, इसका इक्वेशन हो जाएगा एम टू जी माइनस टी इजकल टू एम टू ए टू, ठीक है। यहाँ हम लोग देख लिए कि मेरा सेकंड हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ टी का वैल्यू मुझे पता है, अब इसके वैल्यू रख देंगे, नहीं इसमें सॉरी, यहाँ जो है टी वन लग रहा है, टी वन ऊपर की ओर लग रहा है, टी नहीं लग रहा है, इसमें टी वन लग रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर तो एम टू जी माइनस टी वन इजकल टू एम टू ए टू हो गया। अब टी वन कैसे निकालेंगे, टी वन के लिए हम पुली का थोड़ा देखते हैं, पुली के लिए पी टू, यहाँ लिखेंगे एफ बी डी फॉर पी टू, एफ बी डी फॉर पी टू, पुली पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए ये मेरा पुली है, ऊपर की ओर टी लग रहा है, ठीक है, नीचे मेरा टी वन लग रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मेरा ए कितना हो गया 2t, टी टी वन इजकल टू हो गया 2t, टी टी वन इजकल टू हो गया 2t, अब t1 की जगह पर हम 2t लिख देंगे, तो ये मेरा हो गया फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड हो गया कितना एम टू जी माइनस टू टी इजकल टू एम टू ए टू, ये मेरा हो गया तीसरा, तीसरा इक्वेशन हो गया, यहाँ देख लिए एम टू जी माइनस टू टी इजकल टू एम टू ए टू, इतना लिखा गया। अब इतना लिखाने के बाद अब क्या करेंगे, तो इस टी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर यहाँ जो ए वन इजकल टू टू ए टू आया है, तो ए वन की जगह पर ए वन की जगह पर हम पुट कर देंगे टू ए टू, और वैल्यू निकाल देंगे, हमारा निकल जाएगा टी का वैल्यू। कैसे निकालेंगे इसको देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, अब इसके बाद इधर हम देखते हैं, यहाँ के बाद से, यहाँ के बाद से हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसको देखेंगे, यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए करना क्या है, अब इस क्वेश्चन सेकेंड में टी का वैल्यू और ए वन का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकेंड, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में हम टी का वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम टू जी माइनस टू, टी की जगह पर कितना आ रहा है, देखिए इतना आ रहा है एम वन ए वन प्लस एम वन जी, इतना आ गया, टी की जगह पर हो गया इजकल टू एम टू ए टू, दैट्स इक्वल टू हो जाएगा एम टू ए टू हो गया। अब इसको गुना कर देंगे,
एम टू जी माइनस टू एम वन ए वन प्लस प्लस नहीं ये हो जाएगा माइनस टू एम वन जी टू एम वन जी इजकल टू एम टू ए टू। ठीक है, अब हमें ए वन की जगह पर कितना लिख देना है, टू ए टू लिख देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वन, पुटिंग दे वैल्यू ऑफ ए वन का वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एम टू जी माइनस टू एम वन ए की जगह पर कितना लिखेंगे, टू ए टू हो गया माइनस टू एम वन जी इजकल टू एम टू ए टू। अब ए को एक साइड में करेंगे, एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, सबको एक साइड में ले जाएंगे। इधर को मिटा दीजिए सब लोग, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, अब गुना करेंगे कैसे देखा जाए। अब इसको इधर ले जाना है तो यह हो गया एम टू जी, यह हो गया दो दूनी चार, ये जाएगा इधर माइनस टू एम वन जी, या एम टू जी है एम वन जी हो गया, दैट्स इक्वल टू एम टू ए टू प्लस फोर एम वन ए टू। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हमें ए टू का वैल्यू निकालना है तो ए टू इजकल टू कितना हो जाएगा जी, ए टू इजकल टू हो जाएगा, ए टू को कमन निकाल लेंगे तो एम टू जी माइनस टू एम वन जी दैट्स इक्वल टू एम टू प्लस फोर एम वन इंटू ए टू, तो ए टू इजकल टू हो जाएगा एम टू जी माइनस टू एम वन जी बटा एम टू प्लस फोर एम वन। ये मेरा वैल्यू आ गया किसका, ए टू का। ए टू का वैल्यू मेरा आ गया कितना, ए टू का वैल्यू मेरा आ गया एम टू जी माइनस टू एम वन जी बटा एम टू प्लस फोर एम वन। तो इस तरह से ये ए टू का वैल्यू निकल गया। हमें ए वन का वैल्यू निकालना है तो ए वन इजकल टू टू ए टू होता है, देयरफॉर ए वन इजकल टू होता है टू ए टू, तो ए वन इजकल टू इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टू इंटू एम टू जी माइनस टू एम वन जी बटा एम टू प्लस फोर एम वन, ये हमारा हो जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। इस तरह से हम जो भी स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आएगा उसको हम इस तरह से बनाएंगे। नाउ ये तो जितना भी हम लोग देखे ये तो देखे केवल वर्टिकल का, अब हम थोड़ा स्ट्रिंग देखते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन हॉरिजेंटल टेंशन कैसे होता है। हॉरिजेंटल टेंशन के लिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि एक हॉरिजेंटल जो है इसको मिटा दें पहले, इसको बात करते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर ब्लॉक है, इसका नाम है ए, मास है कैपिटल है। ठीक है, इसमें कितने पुली लगे हुए हैं, इसमें दो पुली लगे हुए हैं तत्काल। यहाँ देखते हैं एक पुली यहाँ लगा हुआ है, एक पुली यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और इस साइड में भी एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम है बी, मास है इसका 3m, इससे तीन गुना ज़्यादा भारी है, और इसमें एक पुली लगा हुआ है, एक यहाँ पर पुली लगा हुआ है, एक यहाँ और एक इसके बीच में लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, एक दो पुली लग गया।
दो पुली लगा हुआ है, दो पुली इसमें है, दो पुली इसमें, एक यहाँ पर एक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एक दोनों ये जो है और बड़ा बड़ा हो गया। ये एक ही टेबल पर रखा हुआ है, ये फ्रिक्शन लेस है। और यहाँ पर एक जो है स्टैंड है, इसी से ये कसा हुआ है, एक ऐसे जा रहे। थोड़ा और इसको बड़ा कर दो पुली को, पुली को थोड़ा सा बड़ा कर दिए हम। चलिए एक पुली ऐसे जा रहा है ऐसे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दो। यहाँ से रस्सी इस पर आ रहा है ऐसे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दो ऐसे। और ये जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर दिए, इस पुली को ऐसे जा करके बेचारा ऐसे मिला हुआ। ये रस्सी है, यहाँ पर एस फिक्स है, इस तरह से ये पुली बना हुआ है, ये सब पुली बना हुआ है, इस तरह से है। और कहा जा रहा है कि इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, ये बड़ी एक्सेलरेट भी हो रहा है, ये इधर एक्सेलरेट भी हो रहा है। मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन ए टू है, इसका एक्सेलरेशन ए वन है, इधर एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मास एम है, इसका मास थ्री एम है। तो कहा गया कि इस ए वन और इस ए टू में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। ए वन और ए टू कितना होगा, ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ए वन ए टू निकालिए, इसके बाद फोर्स का वैल्यू निकालिए, एफ का वैल्यू निकालिए कितना होगा, इस टेंशन का वैल्यू निकालिए कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो लेंथ जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे कि मेरा लेंथ कितना है, लेंथ को कांस्टेंट करेंगे। तो इसके लिए हम तीन पार्ट में, एक तो इसके बीच में ये पोर्शन बता दिया, एक यहाँ हो गया, दूसरा एक यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और इधर से कर लेते हैं, बीच में रहे ये एस है, एक यहाँ से इस पार्ट को हम बांट दिए, दो पार्ट में बांट दिए। इधर वाले पार्ट का नाम एक्स ए करते हैं, इधर वाले पार्ट का नाम एक्स बी करते हैं, दोनों पार्ट में बट गया। अब इस साइड वाला जो भी पार्ट होगा यहाँ से, ये भी एक पार्ट मान लो, ये हो गया इस पार्ट मान लो, तो यहाँ से यह भी हो गया एक्स बी, यह भी ये जितना होगा उतना ही यह होगा, उतना ही ये और ये और ये, कितना पार्ट हुआ जी, एक दो तीन चार पाँच हो गया, पाँच एक्स बी हो गया। इधर एक से कितना हुआ, एक दो तीन और चार, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सब मिल करके फोर एक्स ए हो गया, और ये कितना हो गया, फाइव एक्स बी हो गया। ये भी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो सबका नाम भी अलग अलग भी लिख सकते हैं, या सबका सम जो है उसको भी हम एक ही मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। पहले हम अपने नियम के अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, नहीं सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी निकल गया, फिर उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्स ए और एक्स बी का हमें रिलेशन एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, हम लोग जानते हैं पहले से, अगर इधर फोर्स लग रहा है तो नेचुरली इसके डिस्टेंस में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा, इधर रस्सी कम जाएगा, ये खींचेगा, ये जो है राइट साइड में डिस्प्लेस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो कौन कौन सा, कितने लेंथ हैं, तो यहाँ से एक्स ए, टू एक्स ए, थ्री एक्स ए, फोर एक्स है, या हो गया फोर एक्स ए, फोर एक्स ए, चूँकि ये माइनस में होगा क्योंकि ये डिक्रीजमेंट होगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा, ये एक्स बी, एक एक्स बी, दो तीन चार पाँच, प्लस फाइव एक्स बी, फाइव एक्स बी हो गया। इसके बाद ये सबका कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, और ये सब डिस्टेंस मिल करके मान लेते हैं एक तो एल कांस्टेंट हो गया,
और इस सब का वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हो गया, निकल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस फोर डी एक्स ए बाई डी टी प्लस फाइव बाहर आ जाएगा डी एक्स बी बाई डी टी प्लस एल दैट्स इक्वल टू डी कांस्टेंट बाई डी टी। इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ हो गया माइनस फोर वी ए प्लस फाइव वी बी और प्लस ये जीरो हो गया, यह भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लिए क्या कि हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं वी ए जो होता है वी फोर वी ए इजकल टू हो जाएगा फाइव वी बी। तो वी ए इजकल टू हम देख लेते हैं यहाँ फाइव बाई फोर वी बी हो गया। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इजकल टू फाइव बाई फोर एक्सेलरेशन ऑफ बी। यही मेरा दोनों में रिलेशन हो गया। ये दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब देखते हैं कि इसमें टेंशन कितना है। इधर देखो, इसमें टेंशन है एक टी, यहाँ टेंशन है दूसरा टी, इसमें टेंशन है तीसरा टी, इधर टेंशन है चौथा टी, फोर टी इधर है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इधर, इस डायरेक्शन में ए वन से एक्सेलरेट कर रही है। तो कितना होगा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का, क्या हो गया, एक्सेलरेशन है, बॉडी का मास दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स कितना होगा। एफ बी डी फॉर हम कहें ए, एफ बी डी फॉर ए लिखेंगे, एफ बी डी फॉर ए, ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इस साइड में फोर टी टेंशन लग रहा है, इसका मास ए है और यह ए वन एक्सेलरेशन से चल रही है, इसका ए है, ए ए लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ ए है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर टी, 4t इजकल टू कितना हो गया एम ए, 4t इजकल टू एम ए, ये मेरा पहला हो गया। अब देखेंगे इसे एफ बी डी फॉर b के लिए देखेंगे, b में क्या देखते हैं जी, ये मेरा b हो गया, मास इसका है 3m, यहाँ लिख देंगे एक लाइन एफ बी डी फॉर b, बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखें, एक ब्लॉक है जिसका मास 3m है, इधर कितना फोर्स लग रहा है F, और इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है, एक टी दो तीन चार और पाँच, इधर पाँच टी लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक दो तीन चार और पाँच टी लगता है, इस डायरेक्शन में फाइव टी लग रहा है, और बॉडी जो है आगे एक्सेलरेट हो रहा है ए टू से। तो क्या होगा इक्वेशन जी इसका, इसका इक्वेशन हम लोग सीख लेंगे, कैसे सीखेंगे, बना देंगे इक्वेशन कैसे आएगा जरा देखेंगे। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा करके हम लोग इधर लिख लेंगे, इसके लिए हो जाएगा एफ माइनस फाइव टी दैट्स इक्वल टू 3m, 3m a2, 3m a2। अब इस टी, इसमें से t निकाल के इसके पास रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो रखा गया, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट, लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट, पहले से हम रख देंगे, कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा f माइनस फाइव, टी की जगह हो गया एम ए बाई फोर, यह हो गया एम ए ए बाई फोर, ये मेरा t का वैल्यू हो गया दैट्स इक्वल टू थ्री एम ए टू, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब बेचारा ये इधर चला जाएगा, तो ए फिजिकल टू कितना हो जाएगा, ए फिजिकल टू ये इधर जाएगा, तो थ्री एम ए टू प्लस
फाइव एम ए ए बाय फोर, यहाँ पर आ गया मेरा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि ए ए का वैल्यू यहाँ दिया है फाइव बाई फोर ए बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ इजकल टू थ्री एम ए टू, टू नहीं यहाँ पर एम ए बी लिख दो, ये बी है, हम लोग ये लिखते आ रहे हैं, बी हो लिख देंगे। चलिए थ्री एम ए बी, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर टू भी लिखा है, यहाँ पर भी लिख दीजिए। चलिए तो थ्री एम ए बी प्लस यहाँ हो जाएगा फाइव बाई फोर एम ए के जगह पर लिख देंगे इंटू फाइव बाई फोर ए बी। ठीक है, तो ये हो गया कितना, यह हो गया 16 और 25, थ्री एम ए बी प्लस 25 बाई 16 एम ए बी। ठीक है, तो ये हो गया F। अब इसका LCM हम निकाल देंगे, LCM निकालते हैं तो यह हो गया 16 आएगा, हो गया 48 एम ए बी हो गया प्लस 25, यह भी एम ए बी हो गया, दैट्स इक्वल टू इधर F हो गया। अब इसको काटेंगे, जोड़ेंगे पहले, तो ये हो जाएगा कितना 73, ये हो गया 73 बाई 16 एम ए बी। ठीक है, तो इसको इंटू कर देंगे तो एम ए बी इजकल टू कितना है, ये 33 से गुना हो जाएगा, यह हो गया 16 एफ बाई 73 एम, दैट्स इक्वल टू ए बी, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो इस तरह से हम निकाल देंगे बी का वैल्यू हमें आ गया कितना आता है, उसी तरह से ए वन का वैल्यू भी हम लोग निकाल देंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा 20 बाई, ए का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को 20 एफ बाई 73, वैल्यू पुट कर देंगे 20 एफ बाई 73, ये हमारा आंसर आएगा 73 एम। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे, तो और भी इसका एग्जांपल्स मिलेगा बहुत ही, कल हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक सीडो फोर्स बनाएंगे, कल तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं सीडो फोर्स, और उस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।